हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए चैनल सॉल्यूशन। हमने शुरू किया था हमारा फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट से, और आज आपके साथ बात करते करते स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ पहुंचे हैं हमारे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का सबसे आखिरी यूनिट का सबसे आखिरी टॉपिक, दैट इज ड्रग एब्यूज। और ये हमारे आज का आखिरी वीडियो होगा, साथ ही साथ ये आखिरी वीडियो होगा हमारे फोर्थ सेमेस्टर के सेशन का। इसके जस्ट बाद कुछ दिनों में हम अपलोड करना शुरू करेंगे हमारे बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी टू को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फोर्थ सेमेस्टर का आखिरी यूनिट का आखिरी टॉपिक, दैट इज ड्रग एब्यूज। फ्रेंड, चूंकि ये आखिरी टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के टॉपिक को हम डील करेंगे फार्माकोलॉजी प्लस फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए सबसे पहले हम समझें हमारे ड्रग के एब्यूज के मीनिंग क्या होते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रग, क्योंकि हमने स्टार्टिंग किया था फार्माकोलॉजी से इसी वर्ड से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रग, और आज हम खत्म भी करना चाहेंगे इसी ड्रग से। ड्रग एक ऐसा एजेंट है जो कि बेसिकली तीन पर्पस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे या अगर आप किसी और से पूछें तो जनरली यही आंसर आएगा, ड्रग एक ऐसा एजेंट है जो किसी बीमारी को ठीक करने में यूज किया जाता है। आपका जो आंसर है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ड्रग केवल और केवल ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता। ड्रग के यूज करने के पीछे तीन मेन रीजन है। ये तीन रीजन है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। डायग्नोसिस कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी डिजीज या डिसऑर्डर के बारे में कंफर्म होना चाहते हैं तो उसके बायोकेमिकल पैरामीटर को, यूरिन, ब्लड, सीमेन, अदर चीजों को यूज करते हुए हम डायग्नोस करेंगे। खास करके सोनोग्राफी के केस में हम विजुअल इफेक्ट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए बिस्मथ कंटेनिंग सब्सटेंस को ओरल रूट से लेते हैं, ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके इमिशन एग्जिट करे और उसके कारण से जो उसका इमेज है काफी क्लियर आ सके। तो यहाँ पे वो जो सब्सटेंस एज अ डायग्नोटिक किट के लिए यूज किया जा रहा है ये भी ड्रग कहलाएगा। दूसरा है ट्रीटमेंट के लिए, जैसा कि आपने खुद ही कहा, तो कभी कोई ऐसा डिजीज हो या डिसऑर्डर हो तो उसको ठीक करने के लिए या उसको रिड्यूस करके उसी कंडीशन में मेंटेन करने के लिए जब हम इसको यूज करते हैं तब वो कहलाता है यूज ऑफ ड्रग एज अ ट्रीटमेंट। एग्जांपल काफी सारे हैं, क्योंकि हमने जस्ट पहले एनाल्जेसिक के बारे में बात किया, तो अगर पेन हो रहा है बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में तो उस पेन को ठीक करने के लिए जो ड्रग यूज करेंगे वो कहलाएगा वहां पे एनाल्जेसिक। ये वहां पे ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज हो रहा है। और तीसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में बेसिक अंतर बस इतना है कि ट्रीटमेंट किसी डिजीज या डिसऑर्डर के होने के बाद किया जाता है, और प्रिवेंशन डिजीज या डिसऑर्डर ना हो इसके लिए पहले से प्रिकॉशनरी मेथड के रूप में यूज किया जाता है। जैसे सारे टाइप के वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन एंड अदर मम्स टाइप के वैक्सीन, जो कि पहले ही दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में कभी पोलियो का अटैक ना हो। तो ये हो गए ड्रग। अब ड्रग का यूज भी यही है, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं एब्यूज के बारे में। फ्रेंड, अगर आप इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करेंगे एब्यूज, इसका मतलब होता है गाली देना, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। इन केस ऑफ ड्रग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एब्यूज को समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, एब्यूज की जगह मिसयूज करें, तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मिसयूज कहने का मतलब ये होता है कि वो यूज ऑफ ड्रग जो कि किसी और पर्पज के लिए बना था लेकिन आप उसका यूज किसी और पर्पज को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, ये उसका मिसयूज या एब्यूज कहलाता है। चूंकि हम इसको एब्यूज करते हैं तो मिसयूज में हो सकता है किसी और दूसरे यूज के लिए किया जाए, इसलिए वो थोड़ा सा डिफर होगा। लेकिन अगर आप एब्यूज के बारे में बात करते हैं, अगर एब्यूज वर्ड को यूज करते हैं, तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि उस ड्रग का उपयोग बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए नहीं, गलत कामों के लिए यूज करते हैं, तब ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ड्रग एब्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप अपने आसपास के एग्जांपल को नजर लगाना चाहेंगे, एक बार देखना चाहेंगे, तो आपको काफी सारे एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे जो कि ड्रग एब्यूज के हैं। जैसे कोडीन फॉस्फेट कंटेनिंग कफ सिरप कोरेक्स, जो पहले के माल मार्केट में आता था, वो काफी अच्छा कफ सिरप हुआ करते थे, लेकिन उसके एडवांटेज से ज्यादा उसके डिसएडवांटेज को लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। उस कफ सिरप के पीने से ड्राउसीनेस, स्लीपीनेस, इस तरह की फीलिंग आती थी, तो कुछ लोगों ने इसको एडिक्ट होकर के इसका मिसयूज एज अ जगह ये प्रकार से कह लीजिए नशे के रूप में करना स्टार्ट कर दिया, ये एक उसका मिसयूज हो गया। और भी बहुत सारे मिसयूज हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस यहाँ पे ऑनलाइन नहीं करना चाहूंगा, आपको कहीं भी जानकारी मिल सकती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसा ड्रग का यूज जो कि उसके एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो करके डिसएडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हो, नशे के लिए हो, ऐसे को हम कह सकते हैं ड्रग एब्यूज। तो यहाँ पे देख लीजिए ड्रग एब्यूज का क्या लाइन में डेफिनेशन लिखा हुआ है, आज का डेफिनेशन लिखा हुआ है यूज अदर देन मेन पर्पस, ये कहलाता है आपका एब्यूज। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है इसे हमने बेसिकली लिया हुआ है आपके
सतोस्कर की बुक से और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश कुमार की बुक से, और काफी जो कंटेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके एक फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है। मैक्सिमम पोर्शन हमारा कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश कुमार की बुक से लिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे, रीजन ऑफ एब्यूज। ऐसा क्या रीजन है कि लोग इस ड्रग का यूज ना करके अब उसके गलत यूज में स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसके रीजन देखेंगे। इससे पहले कि हम इनके रीजन के बारे में देखें, आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये मिसयूज स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों किसी ने इसका यूज मिसयूज गलत रूप में लेना स्टार्ट किया। इसको समझाने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है जो कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। सबसे पहले देखिए, ये है ड्रग टेकन। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के अपने फिजिशियन के पास जाता है कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, उनके डिजीज या डिसऑर्डर के अकॉर्डिंगली, या तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली उनको कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ड्रग का जो प्रिस्क्रिप्शन है बेसिकली दो चीजों में से किसी एक के पर्पस के सॉल्व करने के लिए होगा। या तो वो पेशेंट किसी फिजिकल प्रॉब्लम से सफर कर रहा होगा, या तो किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहा होगा। फिजिकल प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो बॉडी एक, किसी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में काम करना, आई साइट का प्रॉपरली ना विजुअलाइज कर पाना, ये कुछ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की मेंटल एबिलिटी में डिस्टर्बेंस हो, जैसा कि हम अभी पिछले दो यूनिट में देखते आ रहे हैं साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर में, वो एंजाइटी के कारण परेशान है, वो डिप्रेशन से परेशान है, वो मानिया से परेशान है, इसी तरह की किसी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से परेशान है, तो उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा। आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं, तो अगर फिजिकल प्रॉब्लम है, बॉडी एक कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उसको एनाल्जेसिक ड्रग दे दिया जाएगा। और अगर उसकी मेंटल एबिलिटी में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हो गई हो, तो उसको एंटी एंजाइटी जस्ट फॉर एग्जांपल या कॉग्निशन एनहांसर ड्रग दिया जाएगा। इनमें से कोई भी डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पेशेंट डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। जब ये प्रिस्क्रिप्शन पूरा हो जाएगा, एक दो डोज रेजिमेन हमें पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस ड्रग को स्टॉप कर देना चाहिए था, इस यूज को आगे यूज कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस पर्पस के लिए ड्रग को प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा, उसका रेजिमेन कंप्लीट होता है। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज होती है, एक नॉर्मल पर्टिकुलर पर्सन इसके ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देगा क्योंकि उसका अचीवमेंट पूरा हो गया है, लेकिन अगर वो मेंटल कंडीशन के कारण से ड्रग दिया गया होगा तो भी पर्टिकुलर पर्सन अगर ठीक हो जाता है तो वो स्टॉप करेगा, लेकिन उसकी फीलिंग इतनी अच्छी मिल चुकी है, उसको उतना अच्छा एहसास हो चुका है इस तरह के ड्रग लेने पे, कि हो सकता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन खत्म होने के बाद भी उस प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग को लेना कंटिन्यू रखे, क्योंकि उस समय जब वो ड्रग ले रहा था तो उसको काफी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, उसकी सारी की सारी मेंटल एबिलिटी इंप्रूव होने लग रही थी, उसके जो भी पर्सनल सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी वो डिसॉल्व हो रहे थे, तो उसको काफी अच्छी फीलिंग यानी कि फीलिंग ऑफ वेलबींग अचीव हो रहा था। तो हो सकता है अब वो उसी फीलिंग को कंटिन्यू रखना चाहे और ड्रग के डोज रेजिमेंट कंप्लीट होने के बावजूद उसको यूज करना चाहेगा। ये जो फीलिंग ऑफ वेलबींग यहाँ पे आपने देखा, यही एक मेन कारण है ड्रग के एब्यूज होने का, क्योंकि अगर उसको उसका अंदाजा लग चुका है कि ये ड्रग लेने पे मेरा डिप्रेशन ठीक होता है, मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, आसपास मेरे क्या हो रहा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं होती है, अपने में ही मस्त मौला रहता है, तो ये एक जो फीलिंग है वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग के एब्यूज के लिए, ड्रग के एडिक्शन के लिए। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम क्लासिफाई करना चाहेंगे कॉजेस को, कॉज का क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि क्या क्या रीजन है जो इनको क्लास करते हैं। सबसे पहला रीजन होगा पर्सनल। पर्सनल रीजन कहने का मतलब है ऐसे सारे रीजन जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल लाइफ के कारण से जनरेट हो रही होगी, यानी कि वो या तो एंजाइटी के केस में परेशान होगा, या तो वो डिप्रेशन होगा, या तो वो अटेंशन सीक कर रहा होगा लोगों से, यानी कि उसको लोनलीनेस फील हो रहा होगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम से अपने आप को रिलीव करने के लिए वो इन्हीं ड्रग को यूज करना स्टार्ट करता है, या यूं कहूं कि इन ड्रग के यूज को कंटिन्यू रखता है ताकि जब तक उसको अच्छा लगेगा वो यूज करेगा। फ्रेंड, हमने एंजाइटी डिप्रेशन इन दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तब अगर आपने वो टॉपिक देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि आज के डेट में बहुत ही ज्यादा कॉमनली वर्ड यूज किए जाते हैं वो यही दोनों हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन। एक 10th क्लास का स्टूडेंट, एक 8th क्लास का स्टूडेंट भी कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वो सुसाइडल केस को अटेम्प्ट करता है जस्ट बिकॉज ही और शी वॉज नॉट एबल टू सिक्योर हाई परसेंटेज ऑफ मार्क।
क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनसे ये एक्सपेक्ट किया था और वो उनके एक्सपेक्टेशन में पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए। इसकी वजह से उनके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप होती है और अपने आप को आगे जाकर के गिल्ट फील करने लगते हैं और उनके ताने या कई चीज़ों को हम जिसको आप बताना सही नहीं समझते हैं उनके रीज़न से उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे काफ़ी रीज़न हैं एंजाइटी डिप्रेशन, इनकी वजह से वो ऐसे ड्रग को यूज़ करना स्टार्ट करता है जो उसको इस तरह की वेरिएबल चीज़ों से मुक्ति दिला सके। तो एक रीज़न ये हो गया पर्सनल। दूसरा है फैमिली या सोशल भी कह लीजिए इसको। फैमिली या सोशल मतलब ये है कि अगर उनकी फैमिली में कोई पर्टिकुलर पर्सन इन बुरी चीज़ों को लेकर के कंटिन्यूसली यूज टू है, यानी कि वो खुद एंजाइटी से उबरने के लिए इस तरह के ड्रग को यूज़ कर रहा है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो कैनाबिस हो, चाहे वो मैरिजुआना हो या अदर टाइप के एलएसडी कैटेगरी के ड्रग क्यों ना हो, इनको देख करके जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो भी गलत रास्ते पे मोटिवेट होते हैं, नेगेटिव फीलिंग में मोटिवेट होते हैं उनको यूज़ करने के लिए। तो वो भी एक रीज़न बन जाता है आगे जा करके उनका, ताकि वो ड्रग को एब्यूज़ कर सकें। जैसे एग्जांपल की अगर बात करेंगे इसमें, तो एटमॉस्फेयर वही मिलता है, एक सोसाइटी में वही एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक फैमिली में वही एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो ये एटमॉस्फेयर उसको नेगेटिव डायरेक्शन में अपवर्ड की ओर लेके जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स का, जो कि आज के डेट में बहुत ही कॉमन है और इसको कई जगह आपको एक नाटक के फॉर्म में, एक सिनेमेटोग्राफी के फॉर्म में अवेयरनेस के लिए दिखाया जाता है। कई बार हम आजकल ये देखते हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा करीब होते हैं, उनकी हर बात को सही और उन्हीं की बात को ज़्यादा वैल्यू देते हैं एज़ कम्पेयर टू फैमिली मेम्बर। ये जो टॉपिक मैं आपको कह रहा हूँ इसको मैंने साइकोलॉजी की बुक से स्टडी करने के बाद आपके लिए रख रहा हूँ ये पॉइंट को। ये पॉइंट मेरा ओपिनियन नहीं है, दिस पॉइंट इज रिटन इन अ साइकोलॉजिकल बुक। उसके अकॉर्डिंगली आज के जनरेशन की टेंडेंसी यही कहती है कि जो फ्रेंड्स कह रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसिंग पावर फ्रेंड्स के में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फैमिली मेम्बर, क्योंकि फैमिली मेम्बर की हर एक सजेशन उनको टोका टाकी या रोक टोक लगती है और फ्रेंड्स कभी भी, जो मेन आपके ओरिजिनल फ्रेंड होंगे, वो आपको कभी भी इस तरह की चीज़ों में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जो जस्ट फ्रेंड, जस्ट सिंपल और जस्ट नॉर्मल कह लीजिए, फ्रेंड कहना भी सही नहीं होगा, एक क्लासमेट कह लीजिए, जो कि आपके वाकई में दोस्त नहीं है लेकिन वो आपको इस तरह की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करने के लिए, गलत चीज़ करने के लिए प्रेरित करेंगे और ये एक प्रॉब्लम की शुरुआत है। अगला है आपका इग्नोरेंस। अभी के डेट में उसी बुक के हिसाब से रिसर्च कहता है कि मैक्सिमम जो ड्रग एब्यूज हैं या जो मैक्सिमम गलत चीज़ों को यूज़ करने की प्रॉपर्टी बढ़ी है, उसके पीछे रीज़न है इग्नोरेंस, मतलब लोनलीनेस। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, अगर कोई आपकी एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को या आपके टैलेंट को इग्नोर करता है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक का 20% चांसेस रहता है कि आप उसको फॉलो करें, दूसरा का 80%। क्या है ये दो रास्ते? 20% आप उसको एज अ चैलेंज लेकर के अपने आप को प्रूव करेंगे पॉजिटिव वे में और एक दिन कुछ करके दिखाएंगे। 80% या 70% कह लीजिए, उसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज बढ़ती है कि वो डीमोरलाइज हो जाएगा और गलत चीजों की ओर मूव करना स्टार्ट करता है। सो वी शुड नेवर एवर अवॉइड और इग्नोर समवन्स टैलेंट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल की, तो ये आज के मार्केट में सबसे ज्यादा अब्यूज होने की कंडीशन में से एक है। क्या होता है प्रोफेशनल मतलब? फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि कौन से प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप अपने स्पोर्ट्स की प्लेइंग एबिलिटी में इंप्रूवमेंट चाहेंगे, क्योंकि आजकल का कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और अगर अपने आप को दूसरों से आप सुपीरियर फील नहीं कराएंगे तो आपका सिलेक्शन इनहिबिट हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें साथ में चल रही हैं, एक अपने आप को आपने परफॉर्मेंस एंजाइटी में डाल दिया है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप बाकी लोगों से पीछे हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप अपने आप को आगे लेके आना चाहते हैं तो आपके पास फिर से दो ऑप्शन बचते हैं, या पॉजिटिव वे में लेकर के मोटिवेट हो जाइए या नेगेटिव में आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, तब यहाँ पर आप इन चीज़ों को यूज करने लगेंगे। और एट द लास्ट एनी हाउ सक्सीड करने के लिए आप ऐसे स्टेरॉइड्स को लेना शुरू करेंगे जिनको हम कह सकते हैं डोपिंग की ओर मूव करना शुरू करेंगे और ये डोपिंग आपको नेगेटिव वेयर के लेके जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप इनके यूज टू हो चुके। एक बात जो इन सारे चीज़ों में कॉमन है वो ये कि शुरुआत तो धीरे धीरे होती है एज अ ट्रायल, चलो ट्राई करके देखते हैं, इन चीज़ों से स्टार्ट होता है और ये स्टार्टिंग कब, कहाँ, कैसे आपके रेगुलर हैबिट में इंक्लूड हो जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता। और वो कंडीशन जहाँ पे आप इनको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए, ऐसे कंडीशन में आप एडिक्टेड हो चुके हैं और अगर आपको तब विड्रॉ किया जाए तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी एंड दैट इज नोन एज अ विड्रॉवल सिम्टम। चलिए अब हम कुछ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये आपके बेसिकली फिजियोलॉजिकल के साथ साथ आपके फिलोसॉफिकल
क्लासिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऐसे ड्रग के क्लासिफिकेशन है जो कि ड्रग ऑफ एब्यूज है, यानी कि ऐसे ड्रग है जो कि एब्यूज कॉज कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के कंसिडरेबल ही है, तो आप इनको इनको एग्जाम में यूज कर पाएंगे। पहला है यूफोरबिएंट। यूफोरबिएंट मतलब ऐसे ड्रग जो कि यूफोरिया कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, ऐसे ड्रग को हम यूफोरबिएंट कहते हैं। व्हाट इज यूफोरबिया या यूफोरिया, हमने जैसे पहले के वीडियो में बताया था, इट इज अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एक्चुअली में, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन डिप्रेशन की कंडीशन में है और वो इस तरह के ड्रग ऑफ अब्यूज को यूज करता है तो उसे फीलिंग ऑफ यूफोरिया होगा, उसे हर चीज उसी के अकॉर्डिंग लगने लगेगी, उसे अच्छा लगने लगेगा, उसे लगेगा कि आप जो कह रहे हैं सपनों की दुनिया में वो आपके साथ हो रहा है, आप जिसको जैसा बोल रहे हैं वो आपके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। इन शॉर्ट आपके अकॉर्डिंगली आपकी बनाई हुई दुनिया में आप पहुंच जाते हैं और ये आपको काफी अच्छा फीलिंग देता है, इसीलिए कोई पर्टिकुलर पर्सन इसके एडिक्टेड हो जाते हैं और उस ड्रग को एज अ एब्यूज स्टार्ट करना शुरू करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे तो मॉर्फिन है, हेरोइन है, कोडीन है, ये ड्रग ऑफ एब्यूज है, यूफोरबिक ड्रग है जो कि पर्टिकुलर पर्सन के कारण से एब्यूज कॉज कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है सीएनएस स्टिमुलेंट की। सीएनएस स्टिमुलेंट के अंदर हमने बात किया था ऐसे ड्रग जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं ड्यू टू अदर और अननोन और नोन रीजन, जिसके अंदर हमने बात किया था तो रेस्पिरेटरी स्टूडेंट, साइकोफार्माकोलॉजिकल स्टिमुलेंट और अदर टाइप के स्टिमुलेंट। तो यहां पे जो मेन कंसर्न है वह है साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट का साइकोलॉजिकल स्टिमुलेंट के फॉर्म में, और ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जो सीएनएस स्टिमुलेंट लेते हैं वो सीएनएस स्टिमुलेंट के काम करने का तरीका भी यूफोरिया या हैलुसिनेशन होता है, दोनों में लगभग एक जैसा ही फीलिंग्स आती है। हैलुसिनेशन में आप भ्रम की स्थिति में रहते हैं, क्या चीज वाकई में है, कौन सी चीज वाकई में नहीं है, क्या आप किसी से बात कर रहे हैं या आप किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन वाकई में एग्जिस्टिंग करेगा ही नहीं। तो इस तरह की फीलिंग हम कह सकते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट की वजह से आती है और उस कंडीशन के कारण से वो पर्टिकुलर पर्सन इस ड्रग को एज अ ड्रग ऑफ अब्यूज यूज करना स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल है कोकेन और एम्फेटामाइन, ये उनके एग्जाम्पल हो गए। अगला जो क्लास है वो है इनेब्रिएंट की, यानी कि ऐसे कंटेनिंग ड्रग जो कि बेवरेज कंडीशन में आते हैं, अल्कोहलिक प्रिपरेशन होते हैं, जैसे कि एथेनॉल। आपने देखा होगा, एक डेली लाइफ के एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं, आपने देखा होगा, कई जोक्स पढ़े होंगे इसके बारे में, ये जोक्स बने ही इसीलिए हैं क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड है। आपने देखा कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज्यादा उदास है तो वह अल्कोहल यूज करेगा, बहुत ज्यादा खुश है तो खुशी शेयर करने के लिए अल्कोहल यूज करेगा। दीज आर जस्ट एक्सक्यूज टू यूज द अल्कोहल कंडीशन, और आपने ये बहुत अच्छे से देखा है कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन अल्कोहलिक कंडीशन में रहता है तो स्टार्टिंग में उसके स्लीच पे, यानी कि उसके बात करने के तरीके पे कंट्रोल नहीं होता, वो किसी भी तरह की बातों को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करता है और वहां पे वो प्रॉब्लम को वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, और यही एक मेन रीजन है कि वो अल्कोहल को एज अ अब्यूसेबल ड्रग यूज कर पाता है। अगला कैटेगरी है हमारा डिप्रेसेंट। जो ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिप्रेसेंट एक्टिविटी शो करते हैं वो भी ड्रग ऑफ अब्यूज के मेन सोर्स हैं, मेन कारण हैं। एग्जांपल की बात करेंगे तो बारबिट्यूरेट और बेंजोडाइजेपिन, ये जो ड्रग हैं वो काफी हद तक डिप्रेशन ड्रग का काम करते हैं और ये अपना अब्यूज छोड़ सकते हैं। अगला क्लास है मिक्स्ड ड्रग, ऐसे ड्रग जो स्टिमुलेंट का भी एक्शन शो करेंगे और डिप्रेशन का भी एक्शन शो करेंगे, इनको ज्यादातर यूज किया जाता है आज की डेट में। एग्जांपल की बात करेंगे तो मैरिजुआना इसका एग्जांपल है, आजकल के यूथ इन्हीं चीजों को ज्यादा यूज कर रहे हैं एक प्लेजरेबल एक्टिविटी फील करने के लिए, एक फीलिंग ऑफ वेलबींग यूज करने के लिए। इनका जो एक्सपेरिमेंट था खुद के साथ, एक टाइम बाद वो रिजल्ट करेगा और रिजल्ट यही कहता है द एंड, ये उनके लाइफ का और उनके एंजॉयमेंट के फेज का द एंड होगा क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी होगी। तो ये जो ड्रग है अब्यूज करने वाले ड्रग, सारे के सारे में कॉमन बात तो यही है कि सारे के सारे डोपामीन के सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, फीलिंग ऑफ वेलबींग को स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए कोई पर्टिकुलर पर्सन इसको यूज करता है। अगला जो है हमारा वो है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का रिलेशनशिप परफॉर्मेंस से है, यानी कि ऐसे ड्रग्स हैं जो कि किसी एथलीट को, किसी परफॉर्मेंस को, किसी प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए लेनी होती है, ये सही प्रैक्टिस नहीं है, बावजूद इसके वो लेते हैं। इसके लेने से अटेंशन इंप्रूव होता है, बॉडी का फैटिक कम होता है, स्लीप का जो पैटर्न है वो चेंज होता है, नींद नहीं आती है और अपनी बॉडी को पेन सहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए वो इस ड्रग को यूज करते हैं। लेकिन ये ड्रग सही नहीं है, ये स्टेरॉयडल ड्रग है, ये ड्रग ऑफ अब्यूज है, ये बैंडेड कैटेगरी के ड्रग है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन, आपका मैंड्रोलोन और ऑक्सेंड्रोलोन, स्टैंडर्जोलोल, इस कैटेगरी के ड्रग है जो कि ड्रग ऑफ अब्यूज है।
सो फ्रेंड्स, आज की आखिरी टॉपिक में हमने इस चीज को बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कोई भी एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए भले ही प्लेजरेबल एक्टिविटी शो करे, लेकिन उसका परमानेंट कॉज अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल डिस्ट्रॉय होगा आपका माइंड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली और अपकमिंग फ्यूचर। सो नेवर एवर गो फॉर दोज ड्रग विच कैन कॉज एब्यूज। अगर कोई ड्रग ऐसे प्रिस्क्रिप्शन में दिए भी जाते हैं तो वापस से आप उनको सेल्फ मेडिकेशन के फॉर्म में बिल्कुल ना लें। वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन इज हजार्डियस, सो कभी भी इस तरह के ड्रग को बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना सुपरविजन ऑफ फिजिशियंस के नहीं लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो के साथ हम अपना फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच, और बहुत जल्द हम फार्माकोलॉजी 2 यानी कि बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी को आप करके लेकर के आएंगे। इस फार्माकोलॉजी में आप पाएंगे कि आपका जो तरीका है समझने का वो अब बेटर इंप्रूव होगा। तो फ्रेंड, कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम हो गया हो इससे पहले, अभी तो कईयों के एग्जाम 15 जून 20 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन जिनके भी एग्जाम हो गए हैं वो इन टॉपिक को स्किप कर मत दें। वो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन टॉपिक को जहां से आपने एग्जाम के पहले देखा था उसके बाद जहां जहां भी आपने टॉपिक नहीं देखे हैं कृपया उन्हें भी देख लें, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में ये टॉपिक आपके काफी काम आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट टिल डेट। आगे भी उम्मीद करता हूं कि आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहेगा, बिकॉज सॉल्यूशन फार्मेसी इज स्टिल ऑन इट्स टैगलाइन, वी बिलीव इन शेयरिंग नॉट इन सेलिंग। कभी भी फ्यूचर में हम किसी भी चीज को सेल आउट नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी कंडीशन पे जाकर के काम करना पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक्स अगेन।